ओके सो गाइस वेलकम अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस मैजिक क्विक के न्यू बैनर कौन सा होने वाला है, और देखो नॉर्मली मैं कंफर्म बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने अपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो आपको यूं ही बताते रहते हैं भाई ये बंडल आएगा ये बंडल आएगा, लेकिन आता कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे तुम्हारे भाई तुम्हें एकदम 100% बता देगा कि कौन सा बंडल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, वो भी मैजिक क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे बंदे यहाँ पे सोच रहे हो भाई मैजिक क्यूब कब आएगा। देखो सबसे पहले तो मैजिक क्यूब है एंड दूसरा मैजिक क्यूब बंडल। तो देखो मैजिक क्यूब तो यहाँ पे आप लोग वेट कर रहे हो बट मैजिक क्यूब आपको मिला नहीं, बट मैजिक क्यूब का बंडल। अब देखो आप में से कितने लोग के पास कितने मैजिक क्यूब, चलो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। लेकिन चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार आप लोगों को मैजिक में कौन कौन से बंडल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो बात यहाँ पे आते हैं, मतलब सिर्फ सिंपल समझो कि यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को एक अपडेट बताता हूँ जो कि यहाँ पे एक यूनिक अपडेट है। अब देखो एक डायमंड वाला यहाँ पर जो टॉप इवेंट का जो बंडल था वो मतलब एंड हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये वाला इवेंट आपने देखा होगा, मतलब यहाँ पे कभी ना कभी आप लोगों को मिला होगा। मतलब यहाँ नॉर्मली यहाँ पे फ्री फायर में अपने टॉप इवेंट किया तो एक डायमंड को टॉप पे ये वाला रिवॉर्ड आपने देखा होगा, बट यहाँ पे ये एंड हो रहा है, मतलब ये जो इवेंट है वो मतलब 11 तारीख को एंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी जगह कौन सा इवेंट आता है, ग्रेना के दिमाग में क्या चल रहा है, ये चीज़ देखने वाली होगी। बट यहाँ पे फाइनली ये समझो कि अभी तक अभी का अपडेट ये है कि आप लोग यहाँ पे ये वाला इवेंट एकदम टाटा वाया होने वाला है, तो मतलब ये इवेंट खत्म। ठीक है, देखो इसी बीच यहाँ पे मैं आप लोगों को एक गजब सा इवेंट बता देता हूँ जो कि यहाँ पे MT7 को लेकर है। देखो काफी सारे बंदे वेट करते हो, बट ये रमजान इवेंट में आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पे एकदम सिंपल समझो यहाँ पे MT7 का रिंग इवेंट होने वाला है। एंड देखो यहाँ पे जो मैजिक क्यू का बंडल है वो भी आपको सेम रमजान इवेंट को ही लेकर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो मैं आपको वो भी इवेंट बताता हूँ जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखो अब बात होती है मैजिक क्यूब के बंडल को लेकर, तो आप लोगों को एक इवेंट मिलने वाला है जो कि मैजिक क्यूब यहाँ पे इवेंट होने वाला है। अब देखो इसमें आप लोगों को 4 बंडल देखने को मिल रहा होगा। अब देखो यहाँ पे अन योर फेवरेट बंडल नीचे लिख कर आया, टाइम भी दिया हुआ है जैसे कि 9 अप्रैल, मतलब टाइम नहीं दिया हुआ, डेट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा समझो, यहाँ पे 9 अप्रैल का टाइम है, मतलब यहाँ पे डेट है। तो यहाँ पे सिंपल समझो कि यहाँ पे आप लोगों को ये इवेंट देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को जो मैजिक का बंडल दिख रहा है वही आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे देखो नॉर्मली यहाँ पे 90% से भी ज्यादा चांसेस है कि आपको ये इवेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रमजान स्पेशल इवेंट है जो कि आपको मैजिक को लेकर देखने को मिलेगा। बट इसमें आपको क्या कुछ मतलब कैसे रिवॉर्ड मिलेगा, आप देखो सबसे पहले ये बता दो। देखो यहाँ पे नॉर्मली बंडल मिलने वाला है, कॉमन सी बात है यहाँ पे आपको मैजिक लगने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लो, यहाँ पे आप लोगों के पास कितने मैजिक के वो डिपेंड है। एंड अभी के पास मतलब अभी का टाइम है, मतलब बहुत कम बंदे के पास ही मैजिक क्यूब होंगे। एंड आपके पास कितने आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा समझो, यहाँ पे मैजिक क्यूब को लेकर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है भाई मैजिक क्यूब फ्री में कब मिलेगा। तो मैजिक क्यूब फ्री में मतलब अभी तो नहीं है, मतलब अभी इसका कोई अपडेट नहीं है, बट आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है मैजिक क्यूब, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ पे बहुत सारे बंदे को मैजिक क्यूब नहीं मिला है। एंड जिन लोगों के पास मैजिक क्यूब है उसमें से बहुत सारे बंदे के पास मतलब बंदे ने यहाँ पे मैजिक क्यूब से एक्सचेंज कर लिया। बट अभी के टाइम यहाँ पे सिंपल समझो कि यहाँ पे मैजिक क्यूब का बंडल तो मिल रहा है, तो मे भी यहाँ पे हो सकता है बंडल मिलने के बाद यहाँ पे मैजिक क्यूब मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, बट वो कंफर्म नहीं है, मैजिक क्यूब बंडल वाला कंफर्म है बट ये कंफर्म नहीं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।